आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। चलो ना चुपचाप, तुम्हारा भाई ना अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा घोड़ा पछाड़ मारूंगा कि जमीन में लिटा दूंगा। वो हम देख देख लेंगे। देखो हम तो जा रहे थे, वो कहीं मतलब तारीफ कर रहे थे आपकी, कि आप जैसा कोई पहलवान नहीं आसपास के इलाकों में, ऐसा कह रहे थे हम तो। ये जो फिल्म है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म है, पूरा कॉमेडी कंटेंट है हम लोगों का, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेन जो चल रहा है आज की फैमिलीज का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गाँव के लोग हैं, एक ही गाँव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गाँव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं भड़कर नाई का, कोई कर रहे हैं शादीराम घर जोड़े का, तो देर आर अ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेन लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगॉटन, मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम, कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी, तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की जिंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफर हो जाती है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं, और जो कल्चर, जैसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब हम लोग गांव में थे, तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाए, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाए, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए और इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर, के ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले, गोरा काला है, हम एक फिल्म बहुत बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी, कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को, इस दशक की जनरेशन को हम बता पाएंगे कि ये चीज़ें होती थी, किस तरीके से किसान खेतों में पानी पहुँचाते थे, उसके लिए एक सोर्स होता था। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास आज कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता था, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग नदी के जरिए से बोट से जाया करते थे। तो वैसा बड़ा अच्छा शानदार माहौल होने वाला, कहानी बहुत अच्छी है इसकी, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। बदरुल जी, आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे सर ने कहा कि जो मुश्किलें आती है इस किरदार में, क्या तैयारियाँ की है उसको लेकर, और क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले थे, या फिर क्या तैयारियाँ की है अगर इस बारे में? मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ के कस्बा है चांदपुर, मैं वहाँ का हूँ। तो मेरे यहाँ मनिहारों का एक मोहल्ला है, तो वहाँ के मेरे बहुत दोस्त थे, मैं उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया है, पिया है, खेला हूँ। तो उन्हीं में से एक थे नासिर भाई, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन हमारा घर का आना जाना था काफ़ी। उनके साथ उनकी साइकिल पर आगे बैठ के मैं चूड़ी क्रीम पाउडर ये सब बेचने गाँव जाया करता था। लड़के घर से अब्बा से जिद करके कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता था,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये किरदार और ये फिल्म मिलने वाली है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तैयारी तो है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक्टर तैयारी करता है और तैयारी करता हूँ और चीज़ें खोजता हूँ। जब भी कुछ मिलता है मैं संजीव जी को फ़ोन करता हूँ, सर ये मिल गया, सर ये मिला, स्क्रिप्ट में ये मिला, किरदार में ये मिला, उनके किरदार में ये मिला, तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक्टर होने के नाते सब अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारियां करते हैं, मेरी भी तैयारियां चल ही रही हैं। बाकी संजीव जी हैं जो मुझे काफी गाइड करने वाले हैं, मधुर जी हैं और इतने दिग्गज एक्टर हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ या मैं जो तैयारियाँ कर रही हूँ इन सब में सर लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे मलिहार के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि होता क्या है ये, एग्जैक्टली क्या है ये, तो काफ़ी चीज़ें मुझे संजीव जी ने बताई, तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। पंकज सर, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको मलिहार के बारे में पता नहीं था, क्या आपको पता था इस बारे में और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया? मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यस मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए जिसमें कंटेंट हो। बेसिकली जैसा संजीव भाई ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की है, तो ये बेसिकली किसी मेरे हिसाब से, हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में कामयाबी के लिए। एक तो पहली बात होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट, आपका कंटेंट कितना मजबूत है, एंड सेकंड थिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मर्स, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर दोनों चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ तक मेरा इस फिल्म से जुड़ने का सवाल रहा, फिर मैंने जैसा पहले कहा कि कंटेंट सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बिल्कुल करूँगा, थोड़ा अलग हटके करने का मौका मिल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जैसे पंकज सर ने बताया कि उनको ज़्यादा पता नहीं था लेकिन कंटेंट बहुत पसंद आया, एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छा हो, किरदार से ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छा? जी मेरी जो टेस्ट है वो जैसे आप कहते हैं कॉमेडी फिल्म, तो मैं हंसाते हंसाते कुछ कहने वाली फिल्म होती है जो सीख, और क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अभी मुंबई में हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं भी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव वहाँ से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो कंटेंट जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले आते हुए कहा था कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और बहुत ज़्यादा हमने अभी संजीव जी को परेशान नहीं किया है, अब जब शूटिंग शुरू करेंगे तब हम परेशान करेंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फिल्म शूट होने के बाद हम ज़्यादा बोल सकते हैं शायद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, अब सब उनके दिमाग में है, और जब फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो तब हमको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन है कंटेंट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी है, और कलाकार देख ही रहे हैं सब अच्छे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। जी सर, मेरा सवाल आपसे एज ए प्रोड्यूसर सर कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना और सबके सामने लेके आना, क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि रिस्क है आजकल सिनेमा बनाने में, लोग थिएटर में नहीं पहुंच रहे, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना? इसका मेन ये है कि जब मेरी मुलाकात संजीव से हुई तो इन्होंने ये अपनी स्टोरी मुझे सुनाई, क्योंकि स्टोरी भी नहीं नहीं लिखी थी, तो मुझे 10 मिनट में इन्होंने सुनाई, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रियलिस्टिक मूवी बनाई जाए, तो मुझे इसमें लगा कि निश्चित मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे इसमें रिस्क दिखाई नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाऊँगा, निश्चित लगा कि ये अच्छी दर्शकों की एक अच्छी ओपिनियन हमको मिलने वाली है।
ये मुझे, इसलिए मैंने इसमें तुरंत रिस्क ले लिया। बहुत जल्दी मैंने इनको कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, और हमने कई लोकेशन पर्सनली जा कर सर्च की कि जो इनकी थीम थी, जो बेस था कि किस तरह का कंटेंट ये रख रहे हैं, तो इनको हमने वीडियो बना के भेजे लोकेशन पर जाके कि आप देखिए एक्चुअल आपके करेक्टर के अनुसार काम मिल रहा है। तो इन्होंने 5-6 जो मैंने सर्च करके दिए तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट रहेगा। फिर इनको मैंने दिखाया ले जा करके, इन्होंने फाइनल किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों की थीम है उसी बेस्ट गांव में इसको जल्द से जल्द शूटिंग करें। अब हम लोगों ने इसको 29 अक्टूबर से लेकर के 11 दिसंबर तक इसको हम लोग विभिन्न यूपी के लोकेशनों पर जाके शूट करें। रमेश सर, मेरा सवाल, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सीरीज सिंह साहब ने 3-4 बार कहा कि रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क नहीं ले रहे हैं आप सर, आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं और अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। आपकी रिकवरी होगी ही होगी, क्योंकि आपकी जो फिल्म है कंटेंट बेस है, अच्छी फिल्म है और लोगों का मनोरंजन करने ही वाली है, तो फिर आपकी तो रिकवरी हो ही जाएगी, डोंट वरी। रमेश सर, आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए। और जैसे सर ने कहा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट तो है, साथ ही क्या ऐसा खास बात देखा आपने किरदार में जो आपने फिल्म करने का फैसला किया, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में भी कर चुके हैं। सर, इससे बड़ी क्या खास बात हो सकती है कि मैं मेन हीरो का बाप हूँ। जो आदमी मेन लीड कर रहा है उसका मैं बाप हूँ, तो मैं भी तो मेन लीड हो गया। तो मुझे न कहानी सुनने की जरूरत थी, न कुछ सोचने की जरूरत थी। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर चहास जो पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा रमेश गोयल जी आप आइए और पिक्चर साइन कीजिए। मैंने पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है पूछने की, क्योंकि पूछने वाला कभी कभी लॉस में आ जाता है। और गोयल साहब आपको सुन के खुशी होगी कि आप हीरो के बाप का रोल कर रहे हैं। आपको कुछ और सुनना है, मेहनत से बड़ा कोई रोल ही नहीं है दुनिया में। हीरो के मतलब दुनिया हीरो बनना चाहती है और उसका बाप मैं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी जगह हो गई। तो मैंने सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब्जेक्ट नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। जो आप जैसे कहेंगे वैसी फिल्म करूँगा। तो ना मैंने फिल्म के बारे में कुछ सोचा ना समझा, मैं तो हीरो का बाप हूँ, यही सबसे मेरी खुशी की बात है बस। और ये मेरे बाप है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं, और हमारे एस के सिंह साहब जो बार बार बोल रहे हैं रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है। हम कलाकार जितने भी हैं बहुत ही परफेक्शन से काम करेंगे, और इन सब के कंधे पर ये जो फिल्म चलेगी तो एस के सिंह साहब 100% फायदे में रहने वाले हैं। और वैसे तो हमारे डायरेक्टर संजीव जी वो काफ़ी फिल्में कर रहे हैं, और भी फिल्में कर रहे हैं, कई एड फिल्म करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, फीचर फिल्म। इस फिल्म से वो मार्केट के स्टार डायरेक्टर बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरी प्रेस को, पूरी यूनिट को। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। कितने होने वाले सर इसमें? इसमें 2 गाने हैं फिल्म के अंदर। एक फोक सॉन्ग यूपी का है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को बहुत कनेक्ट करने वाला है। जो बहुत पहले हम लोग, तो मैं छोटा था तो रेडियो पे हम लोगों गाने सुना करते थे, मतलब बहुत कनेक्टेड सॉन्ग होते थे, तो वैसा ही इसमें सॉन्ग्स रखे हैं हम लोगों ने। बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं, 2 सॉन्ग्स हैं फिल्म के अंदर, एक टाइटल सॉन्ग रहेगा, 3 सॉन्ग है फिल्म के अंदर वो रहेगा। एंड बाकी का तो सर ने बताया ही है कि ये सब हम लोग सब जो है पूरी टीम है, और टीम के साथ में जो काम करने वाले हैं, अच्छा बनाने वाले हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा जो सिनेमा हम बना रहे हैं। और अभी भी मैंने काफ़ी फिल्में अभी की हैं, अभी एक फिल्म मेरी और नवंबर में रिलीज हो रही है 2 अजनबी भी, और उसके साथ कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाए जाए और ऑडियंस को दिए जाए, जिससे कि लोगों को मज़ा आए, और पैसा जो खर्च करते हैं लोग तो एटलीस्ट गाली दे के बाद ना निकले, ये सोच के निकला कि हाँ यार अगर हम लोगों ने पैसा खर्च किया है तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च किया और हम लोगों को वो मिला है। और एक ही शेड्यूल में फिनिश करोगे, स्टार्ट टू फिनिश की? हाँ, एक ही शेड्यूल में मैं फिल्म खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करूँगा, क्योंकि मेरी हर फिल्म, मैंने अब तक 5 फिल्में की हैं, मेरी सारी की सारी फिल्में जो है 1 शेड्यूल में कम्प्लीट हुई हैं। मैं सेकेंड थर्ड शेड्यूल लगाते ही नहीं, 1 शेड्यूल में स्टार्ट टू एंड में फिल्म खत्म करता हूँ हमेशा से। रिलीज हम लोग इसको जो करेंगे वो 2023 में ही करेंगे, मतलब और 23 में ही फिल्म हम लोग मार्च तक हम लोग लेके आएंगे सिनेमा के। जी जी सर, आपने कहा कि 80-90 के दशक में जी सर,
सर आज का भी गांव दिखा सकते हैं, आज का गांव पहले से बने हैं, पंचायत जैसे लिटिल साइज, हाँ जी बहुत गुदगुदा है जी, आप वो भी बना सकते हैं अगर आप पुराने बना रहे हैं जी। 80-90 के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी है, वो देख लेंगे लोग, गाँव को देखे जी जी। मैं आपको वही कहना चाहता हूँ सर, देखिए मेरी बेटी है 5 साल की, उसका क्या है कि वो फ़ोन के अंदर और ये सब चीज़ों में इतना बिजी रहती है कि शायद क्योंकि फ़ोन, मतलब मैंने क्या कहा, फ़ोन आज इंसान को जो दिखता है ना सामने उसी को जानता है। आज के गांव जो हैं, मेरी बेटी मेरे साथ गांव जाती है, मैं उसको लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद जो पुराने गांव हैं उनके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ जाते हैं नोटिफिकेशंस, वो नोटिफिकेशंस पुराने गांव के मुझे लगता नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम जिस कल्चर से, अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम सदियों पुराने, मतलब सदियाँ सदियाँ, जैसे हमारा शायद कब से मैं कह सकता हूँ तब से आज तक हम भगवान राम को क्यों जो है कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं। और किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्चर को, क्योंकि वी बिलोंग इंडियन कल्चर, तो इंडियन का, इंडिया के अंदर जो है जो कल्चर है, हम लोगों को उस कल्चर एटलीस्ट जानते रहना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं हम लोग, सब मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम लोग भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे कल्चर के बारे में, जो पुराना कल्चर था उसके बारे में जानना जरूरी है आज के जनरेशन का। और नया जो जनरेशन है, नए गाँव है, उनके लिए तो आज हूबहू डायरेक्ट हो ही जाते हैं लोग। आप भी देखिए, आप भी जाते होंगे अपने गाँव में, हम भी जाते हैं, आज का न्यू मॉडर्न गाँव है मैं समझ रहा हूँ उसको। और गवर्नमेंट ने जो किया है एकदम सबको मॉडर्नाइज कर दिया है, और बहुत अच्छा किया है, मॉडर्न होना चाहिए, लोगों को समय के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि हमेशा अपनी अतीत और अपनी संस्कृति से हमें जुड़े रहना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पुराना समय था, पुराने गांव थे, उसके बारे में लोग जाने, क्योंकि जरूरी है वो, मैं जितना समझता हूँ। लोगों को मजा आएगा कि यार ऐसी भी लाइफ होती थी, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जो है, फादर अंकल बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा होता था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिनेमा के माध्यम से उसको पूरा लाइव वीडियो के तौर पर मैं लोगों को दिखा पाऊँ। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आपने जो रोल करने वाले बारे में अभी सर ने बताया कि वो हीरो के बाप बने हैं, तो मुझे इनसे ज्यादा खुशी मुझे है कि मैं हीरोइन का भाई बनाऊं। बहन को कोई लेके गया तो मानेंगे सर? सर तो है, इसीलिए तो बनाया है उनको, इसीलिए है। थैंक यू सर। मैं एक इनवाइट करना चाहता हूँ समीर चाहर, जो इस पूरी की पूरी नीम है, फाउंडेशन है इसके, सारे एक्टर्स को साइन करने वाले, वो प्लीज ही शुड बी ऑन। हां नहीं है सर, वंडर सो आई नहीं। ओके ओके, चलो मेरा सवाल है सर, जैसे आपने कहा कि कोई इनवाइट नहीं करता है, लेकिन सर ने यहाँ पे इनवाइट किया, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है फिल्म को लेकर स्पेशली? एक्चुअली मैं सर के साथ सिर्फ ये एक फिल्म नहीं की है, मैंने 2 फिल्म और की और अभी भी मैं करने वाला हूँ। तो संजीव जी और मेरा ये रहता है कि हम है ना स्टोरी पे पहले बैठते हैं, आपने मोस्टली देखा रहेगा कि एडिटर्स बाद में बैठते हैं शूटिंग के बाद, बट मेरा खुद का पर्सनली ये रहता है कि मैं शूटिंग के वक्त भी अवेलेबल रहता हूँ और शूटिंग के बाद भी अवेलेबल रहता हूँ। तो ये कंटेंट इतना अच्छा था कि हम दोनों ने मिलके इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज है, जैसे कि आप एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम ओवर विजुअल्स में ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि सामने वाले को पसंद ना। एग्जांपल मैं किसी मूवी का देना नहीं चाहूँगा, बट आपको पता है पहले की मूवी आती थी वन टेक मूवी रहती थी, और आप अभी की मूवीज देखोगे उसमें कट्स कितने रहते हैं। तो जो कॉमिक टाइमिंग है और वो जो कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो मिलती नहीं थी, तो हम टेक्निकल चीज़ें बहुत इसमें ध्यान रखने वाले जिससे ये मूवी इतनी अट्रैक्टिव बने जो पहले आती थी, और पहले से भी अच्छी बनेगी फॉर श्योर। और कॉमिक टाइमिंग ये सब आपको बहुत पावरफुल मिलेगा, बिकॉज एडिटिंग इज ऑल्सो बिगेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन मूवी। दैट्स माय वो जो आपने प्रश्न किया था ना कि भाई पंचायत में आज की समस्या दिखाई है, आज के गांव दिखाई है, तो गांव तो आज के ही है, शूट तो आज के गांव में ही करेंगे, हैं? लेकिन जो समाज में पुरानी कुंठाएं थी आज भी चली आ रही है, वो कुंठाएं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी है लेकिन हमारी नज़र उनकी तरफ नहीं जाती है, तो हम दिखाएं। Exactly. Yes. सर तो सही कहा, जो पुरानी कुंठाएं जो हैं वो मैं बताना जो है फॉरगॉटन हो गया, मेरे से भूल गया। एग्जैक्टली इसमें वही है, जैसे कि किसी भी आज कोई विडो है, कोई लेडी है, वो विडो हो जाती है एंगेज में, तो आज भी उसको उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से पुराने समय में देखा जाता था। गांव को बदल सकते हैं हम, घर को बदल सकते हैं, नया फाउंडेशन खड़ा करके एक झोपड़ी की जगह पे हम लोग एक पत्थर का मकान बना देते हैं, लेकिन फाइनली जो
कल्चर जिस तरीके का अच्छा कल्चर है उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें हैं उनको हम सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम लोग नए कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं अंदर, उन बुराइयों को हम लोग नहीं खत्म करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें हैं इसमें विधवा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी हम लोग आज भी इंडिया को अगर एजुकेशन के अंदर देखा जाता है तो एक रेशियो में देखा जाए तो आज भी 80% 70% भी हम एजुकेटेड नहीं हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट ही नहीं है आज के मॉडर्न टाइम से। मॉडर्न गांव बना दिए गए हैं लेकिन मॉडर्नाइज चीज़ों से हम लोग आज भी कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं है। तो वही है कि इसमें एजुकेशन को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज का कल्चर गाँव में सब कनेक्ट रहते थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, ना कोई जाति, ना कोई मत, ना कोई भेदभाव। तो वही चीज़ें हम लोग इसमें लेके जा रहे हैं और कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे हैं इसके। पगडंडी जो कि मोदी जी और योगी जी के राज बहुत सारा पगडंडी हट गई है, मड़ाई हट गई है, बैर भी आपको शायद वहाँ नहीं मिलेंगे। तो सर उस तरह का आप लोकेशन जैसे सर ने कहा किस कहाँ मिला सर ये जी? यही तो है कि एग्जैक्टली क्या है कि आपका एकदम यू आर क्वाइट राइट कि ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो वही हम लोगों ने सर्च किया है एग्जैक्टली। उससे गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज जाएगा कि अभी और बचा है, तो उन्होंने 99% किया है लेकिन अभी जो 1% बचा है ना, हम लोग वहाँ पहुँच गए एग्जैक्टली। आपने कहा मड़ई नहीं मिलेगी, वी फाउंड। आपने कहा कि वहाँ बैल नहीं मिलेंगे, वी फाउंड एवरीथिंग। लाइक आप सोचिए कि जब पहले ये चलते थे ना बाहर घूमड़ा बोलते ना, आज की एक कहावत होती है अरे बाहर में जा, बट बाहर में जाना और बाहर बोल देना बड़ा आसान है, बट वो बाहर होता कहाँ है एग्जैक्टली? वो एक प्लेस होता है जहाँ जैसे जैसे फसल कट जाया करती थी तो सब लोग अपना अपना अनाज लेके जाते थे। तो आज तो पॉपकॉर्न हम कहीं भी खा लेते हैं, ये 10 रुपये का जी वो अलग अलग हमारा मतलब वो बोला जाता है। वहाँ जाके वो भूने जाते थे दाल जो है वीट्स वगैरह ये सबको भून करके वो इकट्ठा करते थे, बड़ा बहुत माहौल होता था। तो वो सब हम लोगों ने लाइव देखा है। एक वो भी होता है जिसे बोलते हैं कोलू बोलते हैं, और वो भी हम लोगों ने फाउंड किया, और नदी के किनारे बड़ा खूबसूरत सा गांव है एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो जो गांव के लोग हैं ना वो उस डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी हैप्पी हैं। सबसे बड़ी खास बात ये कि दे आर वेरी हैप्पी बाय देयर कल्चर कि यार हम लोग इसमें जी रहे हैं। सर वहां लाइट तो नहीं होगी उस वक्त? नहीं लाइट तो अभी डेवरी बोलते हैं, हाँ डेवरिया है ना। आपने जो करेक्ट ये भी आंसर, आप मैंने क्वेश्चन अच्छा किया। वो भी सब है दिए जिसे बोलते थे, जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और वो डिबियाँ जला दी जाती थी। हम लोग उसी एग्जैक्टली हम लोग शूट करने वाले हैं, वही सोर्स लाइट पे शूट करने वाले हैं। सोर्स लाइट भी वही एकदम नेचुरली लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है कि अभी क्या ना एकदम मॉडर्न लाइट लगाते हैं हम लोग। मैं एग्जैक्टली मैं खुद शूट करता हूँ, अभी नैनीताल शूट करके आया, इतना बड़ा कामयाब हम लोग लेके गए थे, -10 में शूट किया था। लेकिन अभी जो मैं गाँव जा रहा हूँ, टिपिकल गाँव है, वहाँ शायद हो सकता है हम लोगों को किसी जो है धर्मशाला में रुकना पड़े। एग्जैक्टली दिस इज दी थिंग, क्योंकि वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर होटल्स हैं और वहाँ से हम लोग डेली ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। बट कोशिश हमारी है कि हम अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि अगर कंटेंट बनाना है और सिनेमा अच्छा बनाना है तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। yes. और उसके लिए वी आर वेरी रेडी। और जो एक्टर्स मैंने लिए हैं सारे एक्टर्स, इन सब लोगों ने बहुत ही टिपिकल लोकेशंस पे भी काम किया और अच्छे कंटेंट्स पे काम किया। तो मेरा बेस्ट यही था कि मैं अच्छे कैरेक्टर्स लूँ जो कॉपीट कर सके, क्योंकि स्टोरी को लेकर के अगर सहयोग नहीं कर सकते एक्टर्स तो वो कहानी कभी बनी ही नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे सिनेमा को देखते हैं कि सिनेमा के अंदर फिल्में डिजास्टर हो रही है, देखिए उसमें सबका ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टर से लेकर के एक्टर और राइटर में। अगर मेरा भी अगर कोई डिजास्टर होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैं भी ये नहीं कहूँगा नहीं मैंने तो बहुत अच्छा बनाया, अगर अच्छा बनाया है तो वो लोगों ने देखा क्यों नहीं? एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। तो सबका ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वही है कि अच्छे से अच्छा हम लोग करेंगे और आपको बहुत पसंद आने वाला है सर। ओके सर।